सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। नालागर लघु किसान कल्याण मंच की बैठक आयोजित, सर्वसहमति से किया इकाई की कार्यकारिणी का गठन। केंद्रीय भूतपूर्व अर्ध सैनिक बल संघ की बैठक आयोजित, स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह का किया संघ ने धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ने लॉन्च की माइक्रो एटीएम मशीन, ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगी सुविधा। और मंडी पुलिस ने बरामद की थी नाके के दौरान 200 ग्राम चरस, आरोपी को अदालत ने भेजा पुलिस रिमांड पर। राजकीय बासा महाविद्यालय में 7 दिवसीय NSS कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उपमंडलाधिकारी गोहर राघव शर्मा ने किया। इस मौके पर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ID शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कैंप में भाग ले रहे छात्र छात्राओं को बधाई दी। तब पता चला कि कौन ले गया सीता को, रावण ने कहा था ना कि पता नहीं। NSS कैंप में जो है वो अपने कैंपस की आप सफाई करेंगे और कुछ अंदर जो बिल्डिंग्स वगैरह की सफाई है उसका कार्य किया जाएगा। ये भी अभी बताया गया कि एक गांव है बाटू नाम का, जिसको अडॉप्ट किया गया है NSS द्वारा इस इंस्टीट्यूशन के, और उसमें भी जो है वो लोगों को जागृत करने की कुछ एक्टिविटीज की जाएंगी। उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप जो आपने गांव अडॉप्ट किया है, एटलीस्ट उसमें कुछ लोग जो इंटरेस्टेड है वो ट्राई करें कि कैसे वहां पे सफाई की व्यवस्था बन सकती है। जो ग्राम पंचायतें हैं उनके पास फंड है उनके पास, पर ये उनके पास ऊर्जा नहीं है कि वो किस तरह से प्लानिंग करें सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की। तो एक जगह जो गंदी हो गई है उसका सफाई करना जो है बहुत छोटा काम है, पर किसी जगह पे एक सुचारू व्यवस्था की प्लानिंग करना बड़ा काम है, जो कि आप लोग ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हो, बाडू गांव में जाएंगे लोग, वहां की समस्या देखें कि सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की, अगर वहां पंचायत स्तर पे कोई प्रॉब्लम है तो उसमें किस प्रकार से ये लोग सहयोग दे सकते हैं अपने बौद्धिक शक्ति से। मतलब जो फिजिकल एक्टिविटी है कचरा इकट्ठा करने की वो अलग बात है, और जो बौद्धिक लेवल पे जो प्लानिंग की जो है वो आपके पास कैपेसिटी है, क्योंकि आप पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं इस समाज के और आप वो प्लानिंग कर सकते हैं। पिछले करीब 3 महीने से बंद पड़ा रोहतांग दर्रा 1 सप्ताह के भीतर फिर से ट्रैफिक के लिए बहाल हो जाएगा। रोहतांग दर्रा खुलने से मनाली लेह स्मारक मार्ग पर सेना के वाहनों की आवाजाही जल्द शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। रविवार को BRO का एक काफिला राहनी नाला पार करते हुए रोहतांग की तरफ कूच कर गया। पिछले करीब 3 महीने से बंद पड़ा रोहतांग दर्रा 1 सप्ताह के भीतर फिर से ट्रैफिक के लिए बहाल हो जाएगा। रानी नाला में लगभग 40 फीट ऊंची बर्फ की दीवारों को काटकर रास्ता निकाला गया है। इस पूरे अभियान के बीच जवानों को -20 डिग्री तक तापमान में पसीना बहाना पड़ रहा है। PRO का दावा है कि मनाली की तरफ से लक्ष्य अब महज 4 किलोमीटर दूर है। हालांकि रानी नाला में गिरे हिमखंड को हटाने का काम जारी है। सीमा सड़क संगठन के कमांडर कर्नल KP राजेंद्र का दावा है कि 1 सप्ताह में रोहतांग दर्रे को बहाल कर मनाली केलांग सड़क मार्ग को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। बारालाचा दर्रा में भी इस मिशन को जल्द पूरा करते हुए मनाली लेह सामरिक मार्ग को सेना के लिए जल्द बहाल कर दिया जाएगा। इस मार्ग के खुलते ही सैन्य वाहनों का काफिला लद्दाख क्षेत्र के लिए रवाना होगा। कर्नल KP राजेंद्र ने बताया कि संभव है कि इस बार मनाली लेह सामरिक मार्ग को इस बार समय से पहले बहाल कर दिया जाए। लाहौल की तरफ से रोहतांग महज 3 किलोमीटर दूर रह गया है। आपको बता दें कि पिछले करीब 3 महीने से बंद पड़ा रोहतांग दर्रा 1 सप्ताह के भीतर फिर से ट्रैफिक के लिए बहाल हो जाएगा। रोहतांग दर्रा खुलने से मनाली लेह सामरिक मार्ग पर सेना के वाहनों की आवाजाही जल्द शुरू होने की उम्मीद की जा रही है।
रविवार को बीआरओ का एक काफिला रहानी नाला पार करते हुए रोहतांग की तरफ कूच कर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक मंडी ने अपनी ग्राहक सेवा का विस्तार एवं ग्रामीण विकास की प्रतिबद्धता का निर्वाह करते हुए माइक्रो एटीएम की लॉन्चिंग की है। आपको बता दें कि इससे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को फायदा मिलेगा जहां अभी तक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के चेयरमैन सतीश चावला ने बताया कि बैंक द्वारा नियुक्त बैंकों को माइक्रो एटीएम मशीन प्रदान की गई है और इस मशीन द्वारा पैसे निकालने, स्थानांतरित करने और खाते संबंधित जानकारी ग्रामीण ग्राहकों को प्रदान की जाएगी। आज जो माइक्रो एटीएम लॉन्च किया गया है हिमाचल ग्रामीण बैंक की तरफ से, ये जो हमारे बैंकिंग करस्पोंडेंट हैं इनके थ्रू बैंकिंग सुविधाएं ग्रामीण एरिया जो मंडी और हिमाचल के दूसरे जिले हैं उनके जो रूरल एरिया हैं, ग्रामीण एरियाज हैं, उन लोगों को विड्रावल और डिपॉजिट की सुविधाएं डोर स्टेप पर मिलेंगी। इससे ये BCAs उनके घर तक जाएंगे और उनको जो बैंकिंग सुविधाएं पहले जो है कि विड्रावल उनके पैसे निकालना और डिपॉजिट वहां उनके डोर स्टेप पे, ये सब सुविधाएं उनको मिलेंगी। वही माइक्रो मशीन की लॉन्चिंग GM नाबार्ड रविंद्र कुमार द्वारा की गई। वहीं इस मौके पर ADC ऋग्वेद ठाकुर भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। तो ये एक बड़ा स्टेप है ग्रामीण बैंक की तरफ से कि ये 71 जो BCs लॉन्च कर रहे हैं विभिन्न जिलों में, ये बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए मैं ग्रामीण बैंक को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा स्टेप इसको लिया है और ये हमें सक्सेसफुल बनाएगा ये स्टेप को, क्योंकि इसके लिए मैं पूछ रहा था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की शायद आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी भी लगभग काफी क्षेत्र में हमारा पहुंच चुका है। हमारे हर पंचायत में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जहां पर कमी है वहां पर भी हम पूरी करने की उसको कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब लेंगे यहां एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हिमाचल की तत्तरीन खबरें लगातार जारी है। चैल चौक के बालक रूपी मंदिर परिसर के नंदगांव में 25 मार्च 2016 को सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में गुजरात से जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम महाराज की प्रेरणा और गौ भक्त भगत गिरी जी महाराज अपना आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। इस दौरान हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों से भी संतगण पहुँच रहे हैं। गौ सेवा समिति चैल चौक के संस्थापक महंत अभिषेक गिरी ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि इस महान पुण्य यज्ञ में सभी प्रदेशवासी आहुति देकर अपना सहयोग दें। आप सहयोग के लिए 9816029154 या 7832822512 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Delhi Public School Bhangrotu, Ned Chowk, a unit of DBS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DBS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DBS Bhangrotu is affiliated to CBSE board. Our campus offices NH21 Bhangrotu, District Mandi. Admission helpline number is 9816566816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes only. 25 cases for each classes. Brings you an exclusive range of branded tiles, centenary wares and bathroom fittings for 6 top brands companies on very affordable price.
Here you will get double tabs in big format size, 3D full HD tiles, wooden tiles, wet refill tiles, anti-skid floor tiles, digital bathroom and kitchen tiles, glass, matching grouts and more sets, range of sanitary wares, one-piece toilet seats, wash basin of different size, well houses toilets. So do visit here and also take a look on one-piece toilet sanitary wares, like toilet seats and wash basin and many more. So make your bathroom really one-piece with stuff from top 6 brands at very affordable price. Visit MA Trader, Lunapani, opposite Anand Toyota Showroom, Mandi. सर्राफ स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन मोती बाजार मंडी हिमाचल प्रदेश की तरफ से एक संदेश। हम हड़ताल पर हैं इसलिए क्योंकि एक्साइज ड्यूटी और TCS के आम ग्राहक पर ये दुष्प्रभाव है। ग्राहक को पुराना सोना देकर आभूषण बनवाने के लिए 12.5% टैक्स देना होगा, साथ ही साथ दिखानी होगी पुराने सामान की रसीद। इनकम टैक्स के हिसाब से ग्राहक को यदि मुसीबत के समय पुराना सोना बेचना है तथा उसकी रसीद न होने पर इनकम टैक्स के हिसाब से डिक्लेयर न करवाने पर 45% तक आयकर दंड का प्रावधान है, जिससे हम पुराना सोना नहीं खरीद सकते। सेंट्रल एक्साइज को 1% बताया जा रहा है, लेकिन अंततः 8% तक ग्राहक को देना पड़ेगा। रिपेयर करवाने पर ग्राहक एवं स्वर्णकार को पूरा हिसाब किताब रखना होगा, न रखा तो सामान सरकारी कर्मचारी जब्त कर सकते हैं। 2 लाख के गहने खरीदने पर ग्राहक को पैन कार्ड दर्ज करवाना पड़ेगा एवं ग्राहक को 1% अतिरिक्त टैक्स भी देना पड़ेगा। धार्मिक संस्थानों को सोना चांदी खरीदने के लिए उस संस्थान का पैन कार्ड दर्ज करवाना होगा, जिससे वो संस्था सरकार के अधीन चली जाएगी। अतः आप सभी ग्राहकों से निवेदन है कि इस लड़ाई को ज्वेलर्स की लड़ाई न समझे अपितु आप सभी की लड़ाई। चैल चौक के बालक रूपी मंदिर परिसर के नंदगांव में 25 मार्च 2016 को सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में गुजरात से जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम महाराज की प्रेरणा और गौ भक्त भगत गिरी जी महाराज अपना आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। इस दौरान हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों से भी संतगण पहुँच रहे हैं। गौ सेवा समिति चैल चौक के संस्थापक महंत अभिषेक गिरी ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि इस महान पुण्य यज्ञ में सभी प्रदेशवासी आहुति देकर अपना सहयोग दें। आप सहयोग के लिए 9816029154 या 7832822512 पर संपर्क कर सकते हैं। से बैठक के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और अन्य मंत्रीगण शिमला लौट आए हैं। इस बैठक के बाद अब सरकार में कुछ बदलाव दिख सकते हैं। मंत्रियों और विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी की हिमाचल प्रभारी अंबिका सोनी की अध्यक्षता में बीते शनिवार को हुई बैठक में जहाँ एक और कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं ने वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में विश्वास जताने की बात की, वहीं सरकारी कामकाज पर भी उंगली उठाई है। इसी में मंत्रियों विधायकों को अधिक तरजीह देने की बात भी उठी है। जैसे मंत्रियों को कर्मचारियों के तबादले करने की शक्तियां देने समेत कई मसले उठे, ऐसे में CM थोड़े समय के लिए मंत्रियों को सामान्य तबादलों में छूट दे सकते हैं। दिल्ली में आलाकमान से बैठक के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और मंत्री विधायक शिमला लौट आए हैं। इस बैठक के बाद अब सरकार में कुछ बदलाव दिख सकते हैं। मंत्रियों और विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हिमाचल के मौजूदा सियासी हालात का लाभ उठाते हुए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन की दुहाई देते हुए कुछ नेताओं ने मंत्री पद के लिए लॉबिंग तेज कर दी है। हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्रों से अनुसूचित जाति और OBC से मंत्री बनाने की मांग उठी है। पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार ने इस मामले को हाईकमान के समक्ष भी उठाया है। कुलदीप कुमार ने इस मामले को शनिवार को नई दिल्ली में
हुई कांग्रेस की विस्तारित समन्वय समिति की बैठक में भी उठाया। हालांकि उन्होंने सीधे न कहते हुए अपने बारे में ये बात रखी है कि ऊना और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से अनुसूचित जाति और ओबीसी से कोई भी नेता मुख्य धारा में नहीं है, इस बारे में न्याय होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। जिला पुलिस पिछले कुछ दिनों से चरस तस्करों पर शिकंजा कसे हुए है। इसी मुहिम के चलते शहरी चौकी थाना प्रभारी मंडी की अगुवाई में पुलिस टीम ने पुल घराट के समीप एक व्यक्ति से 200 ग्राम चरस बरामद की थी। मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड में भेजा गया है। प्रदेश में बढ़ते चरस मामलों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने अभियान और तेज कर दिया है, जिसके चलते मंडी पुलिस टीम ने 1 अप्रैल को पुल घराट के समीप नाके के दौरान पैदल चल रहे एक व्यक्ति पर संदेह होने के कारण जब तलाशी ली गई तो व्यक्ति के पास से 200 ग्राम चरस बरामद की गई। वहीं इस मौके पर पुलिस टीम ने कड़ी कार्रवाई अमल में लाकर मामला दर्ज कर लिया है। शहरी चौकी थाना प्रभारी रामलाल ठाकुर ने जानकारी दी है कि पुलिस टीम ने आरोपी को 4 अप्रैल को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड में रखा है। 1 अप्रैल को हमारी पुलिस टीम नाकाबंदी पे थी तो रात को 8 बजे जो है मंगवाई से एक व्यक्ति पैदल पुल घाट से मंगवाई की तरफ एक व्यक्ति पैदल जो है आ रहा था, जो शक के आधार पर इसे काबू किया तो इसके कब्जे से 200 ग्राम कैनबिस बरामद हुई थी, जिसे पुलिस रिमांड पर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके लिया गया था और इससे हर पहलू पर पूछताछ की गई। आज माननीय अदालत के समक्ष पेश करके इसे जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। अभी तक जनवरी से लेके हमने 3 केसेस रजिस्टर किए हैं यहाँ चौकी शहर में, जिसमें 1 केस 2 kg, 1 300 ग्राम और 1 200 ग्राम का रजिस्टर हुआ है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि आज की नवयुवा पीढ़ी नशे के दलदल में डूबती नजर आ रही है, जिसके कारण आज की नवयुवा पीढ़ी को जागरूक करने की जरूरत है ताकि वह नशे से दूर रहे। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा शहर के क्षेत्रों में छानबीन कर युवाओं में फैले नशे को रोकने के लिए नकेल कसी जा रही है। जो नशाखोरी के लिए बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनके लिए हर वक्त पूरी पुलिस टीम जो है शहर की वो काम कर रही है। जैसे हर जगह साइडों में बच्चे का बैठना था, वहाँ पर उनके लिए उनके विरुद्ध जो है नकेल कसी जा रही है और हर संभव जो है अच्छे से अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। के चैनल का इस खबर को दिखाने का मुख्य उद्देश्य आप सभी को इस बात से अवगत करवाना है कि आज की शिक्षित नव युवा पीढ़ी किस तरह से नशे के दलदल में डूब चुकी है। इसके लिए के चैनल का आप सभी से अनुरोध है कि अपने आसपास नव युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए जागरूक करें और आज की नव युवा पीढ़ी को चाहिए कि वह नशे से दूर रहे, क्योंकि नशा एक मीठे जहर की तरह है जो धीरे धीरे जिंदगी को तबाह कर देता है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन पर फिलहाल इतना ही। शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नालागढ़ लघु किसान कल्याण मंच की बैठक आयोजित, सर्वसहमति से किया इकाई की कार्यकारिणी का गठन। केंद्रीय भूतपूर्व अर्ध सैनिक बल संघ की बैठक आयोजित, स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह का किया संघ ने धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ने लॉन्च की माइक्रो एटीएम मशीन, ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगी सुविधा। और मंडी पुलिस ने बरामद की थी नाके के दौरान 200 ग्राम चरस, आरोपी को अदालत ने भेजा पुलिस रिमांड पर।